हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक्सोरा प्लांट केयर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक्सोरा में इस तरह की, ये जो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की लीव्स देख रहे हैं, देखिए ये किस तरह से फेडेड हो रही है। तो एक्सोरा में आपके भी अगर इस तरह की लीव्स में प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, किन वजहों से आ रही हैं और आप ऐसा अपने प्लांट में क्या फीड करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स बात करती हूँ सबसे पहले कि एक्सोरा जो है आपका समर ग्रोइंग प्लांट होता है, मतलब समर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और उसके बाद जो है ये इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है फ्रेंड्स आपकी, ये चाहे आप डबल पेटल्ड हो सिंगल पेटल्ड हो वैरायटी आती है, मल्टी कलर्स में आता है आपका एक्सोरा। इसमें एक देसी वाली वैरायटी होती है फ्रेंड्स और एक हाइब्रिड होती है। देसी में ज़्यादातर कॉमनली दो या तीन कलर्स आते हैं, लेकिन जो इनकी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। ये आपको कोई बहुत महंगा नहीं मिलेगा, जब भी आप इसको लगा रहे हैं तो इसका जो पॉट साइज़ है वो आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही दें। इसको बहुत बड़े गमले में आप मत लगाइए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग फ्रेंड्स कोई भी प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो वो तो एकदम लश ग्रीन कलर की उसकी पत्तियां होती हैं, एकदम नीट क्लीन डार्क ग्रीन कलर में। लेकिन जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलने लगती है। तो ये कलर इनका क्यों चेंज होता है, इसमें ऐसी क्या दिक्कत होती है कि जो इनकी वेन्स जो होती हैं वो क्लियरली विजिबल होने लगती हैं? तो फ्रेंड्स ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका मिट्टी का पीएच लेवल बिगड़ जाता है, मतलब मिट्टी का पीएच लेवल जो होता है वो आपका एसिटिक से हटके एल्कलाइन बेस पे चला जाता है, तब आपके प्लांट में आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है, आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम। लेकिन समटाइम्स फ्रेंड्स आपका ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी होती है, लेकिन मोस्टली जो ये दिक्कत आती है ये तब आती है जब आपका मिट्टी का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। सबसे पहला काम फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अगर आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक गई है तो आप चेक करिए जहाँ तक आपकी ब्रांच सूख गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप उन सूखी ब्रांचेस को कट कर दीजिएगा और इस तरह की जो एकदम ख़राब बेजान सी लीव्स हो रही हैं उन लीव्स को आप अपने प्लांट से कट करके हटा देंगे, क्योंकि ये लीव्स जो हैं ये आपके प्लांट में फंगस को अट्रैक्ट करेंगी और आपके प्लांट में दिक्कत होगी। तो कटिंग मस्ट है, जो भी सूखी सूखी ब्रांचेस होंगी आप उनको कट कर दीजिए। एक्सोरा ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि इसको बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। इसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए होता है इसको हाई नाइट्रोजन और हाई आयरन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें आयरन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक क्वांटिटी में हो। बात करूं फ्रेंड्स अब इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो जो अप्रैल का टाइम है इस टाइम में आप अपने प्लांट में बस 3 to 4 hours या फिर मैक्सिमम 5 hours की सनलाइट दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप सनलाइट देंगे तो आपके प्लांट के जो लीव्स के एजेस हैं वो बर्न होने लगेंगे, पत्तियां बिला वजह मुरझाने लगेंगी आपकी। तो 3 to 4 hours की सनलाइट इनके लिए बेस्ट होती है। वाटरिंग अब आप अपने इस प्लांट में ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए ना अंडर वाटरिंग चाहिए। इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बनाइए और पानी हल्का सा मिट्टी के सूखने पे दीजिए। मैं डेली अपने प्लांट में वाटरिंग करती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी मिट्टी इतनी वेल ड्रेन है और तो उससे मैं जो भी वाटरिंग करती हूँ अगर कभी एक्सेस होता भी है तो वो ईजिली रिमूव मतलब ड्रेन आउट हो जाता है। इनमें फ्रेंड्स अब बात करूँ आपसे कि इसमें देखिए फ्लावर्स जो हैं इनके टिप पे आते हैं और बहुत सारे बंचेस में आते हैं, एक साथ करीब 25-30 फ्लावर ऐसे इसमें एक साथ खिलते हैं और ये काफ़ी टाइम तक लगातार खिलते रहते हैं। इस प्लांट में फ्रेंड्स
इन्फेस्टेशन की अगर बात करूं तो आपका एक स्पाइडर माइट्स हो गया, और समटाइम्स मैंने इस पे मिलीबग भी देखा है, मिलीबग भी अक्सर आपके इस प्लांट में लग जाता है। तो बस आप मिलीबग से भी अपने प्लांट को अच्छे से बचाएंगे। आज जो फ्रेंड्स मैं अपने इस प्लांट में फर्टिलाइज़र फीड करने वाली हूँ, वो मैं दो तरह के फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ कि जिनको देने के बाद मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी कोई फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसा देखिए मैंने कहा कि इनको आयरन रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत पसंद है, इस तरह से देखिए, ये एक कील थी लोहे की, जंग लगी कील। लोहे में जैसे आप जानते हैं आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए मैंने उस कील को देखिए इसकी मिट्टी में दबा के रखा हुआ है। इससे धीरे धीरे जब वाटरिंग करती हूँ तो प्लांट को आयरन मिलता है। फर्स्ट फर्टिलाइज़र इस फ्रेंड्स आपका वर्मी कंपोस्ट। ये आपके एक्सोरा प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। वर्मी कंपोस्ट ये होगा फ्रेंड्स करीब 50 ग्राम तक है ये। इसमें NPK और सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं उनका सोर्स होता है आपका ये वर्मी कंपोस्ट। इससे आपके प्लांट की ग्रीनरी भी मेंटेन होगी, आपके प्लांट की रूट्स की भी अच्छी डेवलपमेंट होगी, और आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी पोटेशियम। सेकंड फर्टिलाइज़र इस फ्रेंड्स आपका सीवीड ग्रैन्यूल्स है, जो कि मैं 1 टीस्पून के करीब ले लूँगी। ये नाइट्रोजन का हाई सोर्स होता है, और नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी प्लांट की ग्रीनरी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनक्रीज करता है। इससे आपके प्लांट में जो फ्लावर आएगा उसका साइज़ भी बड़ा होगा और कलर बहुत अच्छा खिलकर आएगा, ब्राइट कलर आएगा इसको देने से। इसको देने के लिए फ्रेंड्स अच्छे से इन दोनों को करीब मिक्स कर लेंगे। ये होगा मेरा करीब 1 टीस्पून के करीब मैंने इसको लिया है। दोनों फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमेशा मिट्टी के अंदर देते हैं। तो इससे क्या होगा आप देखेंगे, अब देखिए ये जो लीफ येलो हो गई है ये तो ग्रीन नहीं होंगी, लेकिन आपके प्लांट की अब जो न्यू लीव्स आएंगी तो वो अच्छे से लश ग्रीन कलर में लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने इस प्रॉब्लम का टाइम रहते सोल्यूशन नहीं किया तो थोड़े टाइम के बाद आपके प्लांट की सारी ब्रांचेस धीरे धीरे करके मुरझाने लगती हैं और आपका प्लांट पूरा ड्राई होके ख़त्म हो जाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर भी इस फर्टिलाइज़र को फीड कर दिया। फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर देंगे, जब आप ये फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो मिट्टी में एक हल्की सी मॉइस्चर होना चाहिए। मिट्टी ना तो एकदम ड्राई होना चाहिए और ना ही एकदम गीली पिचपिची टाइप की मिट्टी नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक फर्टिलाइज़र और देने वाली हूँ, बट मैं भूल गई, वाटरिंग कर दिया मैंने। उस फर्टिलाइज़र से प्लांट में फ्लावर्स आना बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा साइड में ही होल कर ले रही हूँ। इस होल में फ्रेंड्स मैं देने वाली हूँ अपना एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये जो कि आपका ड्राई बनाना पील्स है। ये करीब 2 बनाना के छिलके हैं फ्रेंड्स, जो कि पोटेशियम से भरपूर हैं, आपके प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है जब प्लांट में पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में। इसको अच्छे से मिला देंगे, सब कुछ को मिला के आपको मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा देना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। तो बस फ्रेंड्स आपकी एक ही छोटी सी, और इसके साथ साथ ये देखिए ये इस टाइम में फंगस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके लिए मैं 1 लीटर वाटर में थोड़ा सा साफ का 1 ग्राम तक फंगिसाइड ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि प्लांट्स में अगर को कभी ओवर वाटरिंग से भी फंगस का शिकार हो जाती है प्लांट्स की रूट्स, तो और उनकी लीव्स में भी अक्सर फंगस हो जाता है तो वो किल हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप पूरे प्लांट में इस तरह से इसको स्प्रे कर देंगे। ये बहुत आफ्टरनून की बहुत तेज़ धूप में मत करिएगा। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके एक्सोरा प्लांट पे, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।